अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत प्यारा और स्टाइलिश फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक की लेंथ लेनी है, तो मेरे साइज़ के मुताबिक 28 इंच लेंथ है, लेकिन मैं ये 26 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसके नीचे मुझे फ्रिल ऐड करना है। तो 26 इंच लेंथ फैब्रिक मैंने ले लिया है, जबकि इस फैब्रिक की चौड़ाई 23 इंच है। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल फैब्रिक भी लिया है जिसका इसके अंदर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो फ्रंट साइड पर हम एक चौड़ी प्लेट डालेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई है 9 इंच और इसकी लंबाई मैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग लूँगी। और ये आप देख रहे हैं, ये अलग से मैंने बारीक फ्रिल्स कट की हैं जो कि 3 से 4 फ्रिल्स हैं। इनकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 2.5 ली है। इस तरह से ये मैंने तकरीबन 50 इंच लेंथ में 2 से 3 फ्रिल्स ले ली हैं जिनकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टी तह लगाते हुए इस तरह से 4 लेयर्स में रख लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का साइज़ लेंगे, तो शोल्डर का साइज़ है 5.5 इंच और इसी तरह लंबाई में भी मैं 5.5 में 0.5 इंच बढ़ाते हुए 6 इंच पर निशान लगाऊँगी। इसका ब्लॉक बनाते हुए हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। 0.5 इंच तीरे पर से कटिंग कर लीजिए और इस तरह से जो हमने नीचे ब्लॉक बनाया था उसी के अकॉर्डिंग 3 इंच बढ़ाते हुए हम अपनी शर्ट की बॉडी को शेप दे लेते हैं। तो मैं इसको तकरीबन कर्व शेप देते हुए कट कर लेती हूँ। इस तरह से अपने शोल्डर की साइजिंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए नीचे से शर्ट की भी मैं शेप दे लेती हूँ। नीचे से भी हल्की सी इसको गोलाई दे लेते हैं। इस तरह से ये हमारी शर्ट की कटिंग तकरीबन हो गई है। फ्रेंड्स, जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है इसको हम सेंटर से हाफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा सिंपल फैब्रिक लिया है उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये सिंपल फैब्रिक बाद में मशीन के साथ एडजस्ट करेंगे। अब हम नेकलाइन की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बैक नेक लाइन को 1 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से अब इसको बैक को सेपरेट करते हुए जो फ्रंट नेक लाइन है इसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करूँगी। तो ये इस तरह से टोटल 3 इंच हो जाएगा। इस तरह से ये फ्रंट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी सेट कर लिया है। इस तरह से कुछ पैटर्न तैयार हुआ है। अब इसका जो बैक पार्ट है उसको मैं सेंटर से अलग कर लेती हूँ जहाँ पर हम हुक्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिंपल फैब्रिक लिया है जिसका मैं इनर इसमें इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जब बच्चों के ड्रेसेस बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो जॉइंट्स और एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए सिंपल कॉटन का मैंने फैब्रिक लिया है जिसको मैं अपने अपर पार्ट्स के साथ मिलाते हुए कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसको इसके ऊपर मैं सिलाई मशीन से अटैच कर लूँगी। इस तरह से तमाम अपर पार्ट को हम स्टिच कर लेते हैं। तो तमाम जो जॉइंट्स होंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। नेकलाइन की कटिंग के अकॉर्डिंग हम नेकलाइन को भी स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देती हूँ और अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं बहुत नीटली हमारा जो शर्ट का फ्रंट पार्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसके किनारों पर भी एक एक स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग नीटली कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमने जो बटन के लिए हुक लगानी है वो अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक लिया है जिसको मैं ऊपर से इस तरह से स्टिच करके इसका किनारा बंद कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस फैब्रिक को इसी तरह हम उसके ऊपर जॉइंट रखते हुए दोनों फैब्रिक्स के दरमियान में जो हमने स्ट्रिप तैयार की है उसको रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रिप गुम सिलाई की तरह से अटैच हो जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से बैक के भी दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं।
मैं फ्रिल रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रिल के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक 2.5 इंच चौड़ाई का लिया था, उसके एक किनारे को मैं बारीक स्टिच लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अलग से तमाम स्टिच लगाकर चुनर्स बना चुकी हूँ, तो आपकी आसानी के लिए मैं एक छोटे पीस पर चुनर्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम चुनर्स बनाकर तमाम फैब्रिक को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने तमाम फ्रिल रेडी कर ली है। अब सबसे पहले इसको हम फ्रंट बॉडी में अटैच करेंगे। तो इस तरह से बॉडी को मशीन पर रखते हुए इसके ऊपर फ्रिल को 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखेंगे। हम बॉडी की दोनों साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा चुनर्स वाले फ्रिल को बचा देंगे, क्योंकि जब इसके साथ हमने लोअर पार्ट ज्वाइन करना है तो शोल्डर का कुछ पार्ट वहां से भी हम लेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा स्ट्रिप को लगाते हुए मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। तो ये इसका लोअर पार्ट है जो हमने दरमियान में फैब्रिक अटैच किया था। इस फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर हम प्लेट दे लेते हैं। इस तरह से ये नीचे का पार्ट भी इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके साथ मैं इसका अपर पार्ट ज्वाइन कर लेती हूँ। इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए फ्रिल को सेंटर में लाते हुए बॉडी और नीचे वाले हिस्से का सेंटर आपस में मिलाते हुए मैं तो फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों फैब्रिक्स का सेंटर ज्वाइन करते हुए मैंने अटैच कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरती से इसका फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब जो हमने फ्रिल लगाई थी उसके साथ किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। इनके शोल्डर्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी साइड की फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसका लास्ट स्टेप बाकी रहता है। जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसी फ्रिल का जो बाकी हिस्सा है वो हम नीचे लगा लेंगे। जो शर्ट का लोअर पार्ट है उसमें इस फ्रिल को इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर कम्प्लीट हो गया है। अब ये जो मैंने फ्रिल अटैच की है तो इसके किनारे पर भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम पॉइंट आउट कराए जा सकें। आपको फिर भी इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।